आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया, जहां पर आपको मिलेंगी स्वतंत्र, निष्पक्ष और संपूर्ण खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद। भागीदारी भागीदारी संकल्प मोर्चा काम में के घटक दल के तौर पर कोना चल रहे सब लोग भारत माता पार्टी के इस कार्यक्रम में भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सागर बिंद जी, भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता सभी को करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह है भारतीय समाज पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी और उस झूठ को खत्म करने वाली भारतीय समाज पार्टी। उस झूठ को लात मार करके पहले उन्हीं को सत्ता दिया था सच मान करके हमारे ओम प्रकाश राजभर जी ने, पहले ये सोचे थे कि हम इनको सत्ता देंगे तो हमारे सामने बैठे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आएगा। इतिहास लिखने का काम किया है और जब भी पिछड़ों का इतिहास लिखा जाएगा ओम प्रकाश राजभर का नाम उसमें लिखा जाएगा। आपने मंत्री परिषद को इस्तीफा देकर के झूठ बोलने वालों से नफरत कर लिया। याद होगा आपको भारतीय जनता पार्टी का जब 14 में आए थे यहीं से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, वहीं से झूठ की शुरुआत किया था कि जब हम आएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, जब हम आएंगे तो देश विदेश से सब काला धन बटोर करके ले आएंगे और सभी मतदाताओं के अकाउंट में 15-15 लाख भिजवाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन अब जब वोट का काम किया और आज हम कहना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे हम दोनों लोगों को अपना अमूल्य समय देना है और हम तो यही कहना चाहते हैं, बगल में यही चुकियापुर गांव है, यही चुकियापुर गांव में ठीक 5 साल पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे अमित शाह, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आए थे और हमारे एक बिंद समाज के यहाँ खाना खा लिया। हमको लगा, सारे लोगों को लगा कि अब तो बिंद समाज का पुराना चरित्र खुल गया, कहीं आई ना आई लेकिन बिंद समाज के घरे तो जरूर 15-15 लाख ऐसा तो हल्के लगा है। जमन पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम, जो किताब कॉन्वेंट स्कूल में बा, वह किताब वह पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। बोला लड़ाई ठीक है, बना ठीक, दूसर काम का हो, दूसर काम कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में बिना पैसा में, स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए अखिलेश जी को सीएम बनाने के लिए घूम रहा हूं। ठीक रहेगी ना ठीक रहे, जितना मैं चाहता हूं कि एक समान और फ्री शिक्षा लागू हो जाए प्रदेश में, हाथ उठावा जैसे चाहता हाथ उठाना। एक बात जे माँ बाप तैयार है, तैयार है सारी व्यवस्था फ्री में दूंगा भाई, मंदिर ना बनवावे जाए के है, हमें फूल ना बरसावे के है कांवड़ यात्रा पर, हमके कुंभ में मेला लगा। पहले भी मोदी जी ने कहा था यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो क्या आपको लगता है कि यूपी के लिए योगी उपयोगी है? देखिए व्यंग बोला है उन्होंने जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यंग बोला है जी। हम आपको सबूत दे रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में मोदी जी ने योगी जी को पैदल कर दिया, आप ही लोगों ने टीवी पे देखा जी जी। जब पूरे प्रदेश में छीछा लेदर हुई योगी जी की और मोदी जी की, तो मोदी जी 2 दिन बाद अपने आईडी से फिर योगी जी के साथ कंधे पर हाथ रख के फोटो खिंचवाए, ये साबित होता ना उन्होंने पैदल किया। दूसरा अभी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में पैसा लगा योगी जी का, जन सूचना विभाग उत्तर प्रदेश मतलब योगी जी का, योगी जी की फोटो गायब हो गई,
जी मेरी बात अगर गलत मैं कहता हूँ, एकदम सही। अभी लखनऊ में अमित शाह जी के विभाग का उद्घाटन था और 3 पेज का विज्ञापन छपा और जन सूचना विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से विज्ञापन था और योगी जी गायब। ठीक है, और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी आए विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने, अब उसमें योगी जी को नहाने नहीं दिए। देखा कभी फोटो? जी नहीं, नहीं पूरे उद्घाटन में कहीं योगी जी को दिखा? जी नहीं, हम लोग योगी जी को कमरे में बंद कर दिया कि तुम दिखाई मत देना। अब वो कह रहे हैं कि यूपी प्लस योगी अनुपयोगी है, जी, इसके राज्य में महंगाई चरम पे है, इसके राज्य में ललका सांड किसानों को तंग किया है, सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, 70% ट्रामा सेंटर में लोग जा रहे हैं, ये 16 पेपर कराया, उसके सारे पेपर लीक हो गए, ये अपना लीकेज नहीं बंद कर सकता है, ये अनुपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए, इसकी विदाई करो, ये मोदी जी कह रहे हैं। सर भागीदारी रही में सर इसमें मोर्चा में किसके नेतृत्व में सर चुनाव लड़ा जाएगा? माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। सर बहुमत आगे सर मुख्यमंत्री कौन होगा? माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। सर अभी आपने कहा कि सर की विदाई होगी, सर इसमें क्या विदाई होगी? सर आप सड़क पर चले जाइए ट्रामा सेंटर, 70% इस समय योगी जी के सांड से लड़ के लोग ट्रामा सेंटर जा रहे हैं और योगी जी का सांड किसान, अगर आप किसान होंगे बरकल मटर आलू गोभी गेहूं योगी जी का ललका सांड कुल चरत हूँ, इसे निजात दिलावे बदे हम लोग अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बना के 6 महीना में नाने के हाक देवल जाएंगे। चल जा कुमिला गोरखपुर वही शहर में रहा नहीं भैया, हम मुख्यमंत्री नहीं, हम जातिवार जनगणना चाहते हैं, हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ कराने के लिए गठबंधन है, गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए गठबंधन है, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा लागू करने के लिए है, उत्तर प्रदेश से योगी जी का सांड ललका सांड हटाने के लिए गठबंधन है। हम तो उप मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री नहीं, हम तो सिर्फ इन मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया।